हिमाचल प्रदेश सरकार ने बढ़ा इलेक्ट्रॉनिक वाहन, सीएम सुक्खू ने इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को दिखाई हरी झंडी, कहा परिवहन विभाग बना देश का पहला ग्रीन विभाग। नहीं थम रहा सीमेंट प्लांट का और ट्रक ऑपरेटरों का विवाद, अडानी कंपनी पर शिकंजा कसने की तैयारी में है हिमाचल सरकार, लीगल नोटिस देने की तैयारी शुरू। हिमाचल में कैबिनेट सब कमेटी की हुई बैठक, अंतिम बैठक स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने की अध्यक्षता, महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए देने को लेकर हुई चर्चा। हिमाचल प्रदेश सचिवालय पहुंचे वेकेशनल टीचर्स, कई सालों से स्थायी नीति की कर रहे मांग, होटल पीटर ऑफ में की सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू से मुलाकात। और बिलासपुर में पूर्व खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग का बयान आया सामने, कांग्रेस सरकार पर साधा निशान, कहा महंगाई के खिलाफ कांग्रेस ने बहाये घड़ियाली आंख। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है हिमाचल प्रदेश के हमारे इस खास बुलेटिन में, मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। खबरों की शुरुआत करते हैं, हिमाचल प्रदेश के पर्यावरण को साफ और स्वच्छ बनाए रखने के लिए प्रदेश सरकार इलेक्ट्रॉनिक वाहन को बढ़ाने के लिए काम कर रही है, और इसी कड़ी में आज सीएम ने रिज मैदान से परिवहन विभाग के 11 इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को हरी झंडी दिखाई है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि सभी विभाग को चरणबद्ध तरीके से इलेक्ट्रॉनिक किया जाएगा, और साथ ही सीएम ने यह भी कहा है कि देश में प्रदूषण लगातार बढ़ रहे हैं और प्रदेश में भी गर्मी बढ़ रही है, यह डीजल से हो रहा है और प्रदेश में 21 लाख के करीब वाहन पंजीकृत है। पर्यावरण को साफ और प्रदूषण मुक्त रखने के लिए परिवहन विभाग को पूरी तरह इलेक्ट्रॉनिक बनाया जा रहा है। देखिए, हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार बनने के बाद हमने नीतिगत फैसला किया कि हिमाचल प्रदेश एक बहुत सुंदर प्रदेश है, प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है, लेकिन पोल्यूशन की समस्या बढ़ती जा रही है, गर्मी काफ़ी हो जाती है। इस दृष्टिकोण से जब हमने स्टडी किया तो कहा, देखा कि डीजल के कारण बहुत पोल्यूशन हमारे शहर में फैल रहा है, और हमने एक नीतिगत फैसला किया कि हिमाचल प्रदेश को 2025 तक हिंदुस्तान का पहला ग्रीन स्टेट बनाने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। और मुझे खुशी ये इस बात की है कि आज हिमाचल प्रदेश का परिवहन विभाग हिंदुस्तान का पहला ग्रीन परिवहन विभाग हो गया है। तकरीबन 18-19 के करीब आरटीओ है, उन सबको हमने इलेक्ट्रिकल व्हीकल दे दी है, जो और विभाग के अधिकारी है उन सबको भी इलेक्ट्रिकल व्हीकल दे दी है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, हिमाचल के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का हमीरपुर पहुंचने पर भारी संख्या में लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया है, और इस अवसर पर जिला प्रशासन के सभी उच्च अधिकारी, कई प्रदेश स्तरीय उच्च अधिकारी और दर्जनों कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी मौजूद रहे हैं। अपने चहेते मुख्यमंत्री को देखने और सुनने के लिए भारी संख्या में लोग यहाँ उपस्थित थे। लोगों की भीड़ को देखते हुए कई जगह पर LED लगाई गई थी, और लोगों की भीड़ से खचाखच भरे हुए गांधी चौक से सुनील शर्मा, कांगड़ा सहकारी बैंक के चेयरमैन कुलदीप सिंह पठानिया आदि नेताओं ने जनता को संबोधित किया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने OPS महिलाओं को मासिक भत्ता और अनाथ बच्चों का जिक्र भी किया है। हिमाचल प्रदेश का परिवहन विभाग देश का पहला परिवहन विभाग बना है, जहां सभी गाड़ियों को इलेक्ट्रिकल कर दिया गया। हमारी नीति है कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल को बढ़ावा दिया जाए, और इस दृष्टिकोण से HRTC की जो बसेस लॉस मेकिंग है, जहाँ नुकसान होता है, वहाँ हमने सोचा है कि इलेक्ट्रिकल बसेस को बढ़ावा देकर HRTC को भी घाटे से उभारा जाए और प्रदेश में प्रदूषण को भी कम किया जाए। इस दृष्टिकोण से हम जल्दी ही हिमाचल प्रदेश को ग्रीन राज्य बनाने की ओर आगे बढ़ेंगे। मेरा मानना है कि 2025 तक का हमने टारगेट सेट किया है, और इस टारगेट की ओर हम बजट में भी आपको देखने को मिलेगा, लेकिन ये निश्चित है कि हिमाचल प्रदेश को हम ग्रीन राज्य बनाएंगे, और देश का पहला जब ग्रीन राज्य बनेगा, हिमाचल के लोगों की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी, प्रदूषण युक्त राज्य होगा, और स्वास्थ्य लाभ भी।
चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। सीमेंट प्लांट और ट्रक ऑपरेटर्स के बीच विवाद थम नहीं रहा है। करीब दो महीने से अडानी के सीमेंट प्लांट बंद पड़े थे और हालांकि दोनों के बीच सरकार विवाद सुलझाने का प्रयास कर रही है, लेकिन किराए को लेकर सहमति नहीं हो पा रही है और वही अब सरकार अडानी कंपनी पर शिकंजा कसने की तैयारी कर रही है। सरकार अडानी कंपनी के खिलाफ लीगल नोटिस भेजने की तैयारी भी कर रही है। सरकार ने ट्रक ऑपरेटर के साथ बैठक कर किराया तय किया है और अब उद्योग के अधिकारी कंपनी को किराए को लेकर अवगत कराएगी और यदि कंपनी की शर्तों को नहीं मानती है सरकार तो कंपनी को लीगल नोटिस जारी करेगी। यही नहीं, सरकार अडानी कंपनी को सीमेंट प्लांट की लीज रद्द करने पर विचार करेगी। यूनियन जो है वो रेट पे तो तय हो गया है और साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि जो रेट उनके जो हैं ये अभी ऑफर उनका जो है ये दो दिन के लिए है। अगर अदानी सीमेंट प्लांट के ओनर अगर उस बात को मानते हैं तो इस रेट पे वो माल ढुलाई के लिए जो है ट्रक ऑपरेटर दोनों ट्रक यूनियन जो हैं वो तैयार हैं। और अब स्टेट में मुख्यमंत्री जी ने जो सेक्रेटरी इंडस्ट्री और सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट है नजीम जी, उनको कहा है कि भाई ये जो रेट हैं ट्रांसपोर्टर्स के रेट हैं ये आप अदानी को बताएं और अदानी अगर इस रेट पे फैक्ट्री को चलाना चाहता है तो सरकार जो है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। ऊना में प्रदेश बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और सांसद सुरेश कश्यप ने जिले में होने जा रही बीजेपी के प्रदेश कार्य समिति बैठक की जानकारी देते हुए कहा है कि 16 और 17 जनवरी को राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक दिल्ली में संपन्न हुई थी और उसके बाद 3, 4 और 5 फरवरी को प्रदेश कार्य समिति की बैठक ऊना में हो रही है और ये पहली बार है कि ऊना जिले के कार्यालय में प्रदेश कार्य समिति बैठक हो रही है। उन्होंने बताया है कि 3 फरवरी को बीजेपी की कोर ग्रुप की बैठक शाम 6 बजे, 4 फरवरी को प्रदेश पदाधिकारी बैठक के उपरांत कार्य समिति की बैठक शुरू हुई है और जिसका समापन 5 फरवरी को होगा। बैठक में कई संगठनात्मक विषयों के बारे में चर्चा भी होगी। सभी प्रदेशों में प्रदेश कार्यकारिणी की बैठकें हो रही हैं जिसमें हिमाचल प्रदेश में 3, 4 और 5, जिसमें 3 तारीख को कोर ग्रुप की बैठक है, 4 तारीख को पदाधिकारी और 4 और 5 में कार्य समिति की बैठक रखी गई है। इस बार यह बैठक ऊना में हो रही है और पहली बार जिला कार्यालय में ऊना में, क्योंकि जिला का हमारा जो कार्यालय है ऊना में बनकर तैयार हुआ है और इस बार पार्टी ने यह निर्णय लिया है कि हम बैठक जो है अपने ऊना जिला के कारण। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। हिमाचल के पूर्व खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि सत्ता में काबिज होने के लिए जो लोग महंगाई का रोना रो रहे थे वो अब खुद जनता को महंगाई की तरफ धकेल रहे हैं और उन्होंने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि चुनाव के समय कांग्रेस महंगाई के खिलाफ घड़ियाली आंसू बहाती थी और सत्ता हासिल करने के लिए कांग्रेस ने लोगों को गुमराह किया है। कांग्रेस सरकार बनने के बाद पहला तोहफा महंगाई का डीजल के दामों में बढ़ाकर किया है और जिससे रोजमर्रा की चीजों के दामों में भी बढ़ोतरी हुई है। जैसे ही कांग्रेस ने सत्ता संभाली, लोगों को ठग कर गुमराह करके और सत्ता में आने के बाद भी इस ठगी को उन्होंने प्रारंभ रखा है और अब भी लोगों को गुमराह करने के लिए लगातार प्रयासरत, जो महंगाई का राग अलापते थे उन्हीं ने सत्ता में आते ही प्रदेश के अंदर 3 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से डीजल के रेट बढ़ाए और जिसके कारण आज पूरे प्रदेश के अंदर रोजमर्रा की चीज़ों पर जो है महंगाई की मार। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस ने महिलाओं को सत्ता में आने से पहले हर महीने 1500 रुपये देने का वादा किया था और जिसको लेकर सरकार ने अपनी तैयारी कर ली है। आज सचिवालय में कैबिनेट सब कमेटी की अंतिम बैठक स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल की अध्यक्षता में हुई है और बैठक में कैबिनेट मंत्री चंद्र कुमार और अनिरुद्ध सिंह समेत कई विभागों के आला अधिकारी मौजूद रहे हैं। वहीं स्वास्थ्य मंत्री ने बताया है कि प्रदेश की 22,44,492 महिलाओं में से 10,53,021 पात्र महिलाओं को हर महीने
1500 रुपये देने पर विचार किया गया है और जिसका डेटा आधार कार्ड और राशन कार्ड से इकट्ठा कर लिया गया है, जिसमें हमारे बीच में प्रोफेसर चंद्र कुमार जी भी आए और अनिरुद्ध जी भी थे मंत्रियों में, और मैं स्वयं इनके साथ था। हमारी हेल्थ सेक्रेटरी और सभी डायरेक्टर जितने सोशल जस्टिस के या हमारे दूसरे विभागों के, जैसे SC ST और महिला, हम लोगों ने फैसला ले लिया है कि भाई जिस प्रकार से हमने आधार रखा है अपने राशन कार्ड को या आधार कार्ड को, तो हर प्रकार के ब्लॉक्स में ये डेटा एकत्रित कर दिया गया है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। हिमाचल में आए दिन सरकारी संस्थानों से जुड़े कर्मचारी वर्ग राज्य सचिवालय पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि वोकेशनल टीचर्स पिछले कई सालों से स्थायी नीति की मांग कर रहे हैं। प्रदेश में नई सरकार बनने के बाद वोकेशनल टीचर्स भी सुख की सरकार से आस लगाए सचिवालय पहुंचे हैं, जहां वोकेशनल टीचर्स के प्रतिनिधिमंडल ने होटल पीटर ऑफ में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मुलाकात की है और सचिवालय में CPS आशीष बुटेल से भी मिले हैं और अपनी मांग को सरकार के कानों तक पहुंचाने की कोशिश की है। और इसके अलावा वोकेशनल टीचर्स आज प्रदेश के शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर से भी मिलेंगे और अपनी मांग साझा करेंगे। अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री जी से मिले हैं कि हमें स्थायी नीति के अंदर लाया जाए, क्योंकि हमारा शोषण 2013 से कंपनियों के माध्यम से किया जा रहा है, जिससे हम मुक्ति चाहते हैं। और अभी हमारा एक प्रतिनिधिमंडल आशीष बुटेल जी से ही मिला, उन्हें भी हमने अपनी मांगों से अवगत कराया है और आज ही के दिन हम अपनी मांगों को लेकर शिक्षा मंत्री जी के पास जाएंगे। अभी वो बिजी हैं, जैसे हमें समय मिलता है हम उनको भी अपनी मांगों से अवगत कराएंगे और उम्मीद करते हैं कि सरकार ने हमें सकारात्मक परिणाम दिए हैं कि आपके लिए कुछ अच्छा करेंगे, तो उम्मीद करते हैं कि हमारे लिए कुछ अच्छा होने वाला है। पिछले 9.5 साल से, अभी 10 साल हुए नहीं है पूरे, पर 9-10 साल से अपनी पूरी तन्मयता के साथ हम सारे वोकेशनल ट्रेनर अपनी सेवाएँ दे रहे हैं। डिमांड्स का तो सर हमारी पूरी होनी चाहिए। मुझे ये चीज़ बहुत अजीब सी लगती है कि सभी बोलते हैं कि आप सेंट्रली स्पॉन्सर्ड हैं, तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है, मे बी आप आउटसोर्स में ना आए। आई डोंट थिंक सो, क्योंकि हम लोग अपने ही स्टेट के अपने ही बच्चों को अपने ही सरकारी स्कूलों में सेवाएं दे रहे हैं, तो हम भी आउटसोर्स में आते हैं। अगर आउटसोर्स के लिए नीति बनेगी तो हमारे लिए भी बननी चाहिए। मुझे वहाँ पे 8 से 9 साल हो गए हैं सर काम करते हुए, तो 8-9 साल से सर हम एक ही सैलरी ले रहे हैं, 15,000 रुपये। और सर 15,000 रुपये अब हम 2013 से लेके अभी हमारा चल रहा है 2023, सर 2023 में 15,000 में एक परिवार का गुजारा होना बहुत ही मुश्किल है। सही बात सर काम की, तो काम जिस तरह से बाकी टीचर्स काम कर रहे हैं जो कि एक स्मार्ट सैलरी लेते हैं, हम भी सर अपना पूरा 100%, इनफैक्ट कहा जाए तो हम उनसे ही ज़्यादा काम जो है हमसे लिया जाता है और हम पूरा अपना 100% देते हैं सर। तो सर हमें सरकार से बिल्कुल पूरी उम्मीद है और जिस तरह से हमें आश्वासन भी मिला है सर कि हमारे लिए पॉलिसी लाई जाए सर, जिसमें हमारी सैलरी भी अच्छी हो सर और हमारा फ्यूचर भी जो है। और मेरे साथ हिमाचल प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।